हेलो हेलो। सबसे पहले आपको उतारा रहा है कि जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं टेबल के अंदर ग्रुप्स को और 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 पीरियड्स को एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, तो ग्रुप्स के अंदर आप बात बता रहे हैं वन टू 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 वन टू
देखते हैं कैसे अटेंड बोल रहे हैं ये कंपैरिजन ऑफ ग्रुप्स वन टू है ना अटेंड लिखा हुआ है ये कुछ। हाँ ये रहा, 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 हाँ ये रहा। नहीं ए बी ए एलिमेंट्स और द नॉर्मल एलिमेंट्स, ये सब यहाँ से लेके इस तक के जो एलिमेंट्स हैं यहाँ तक के दीज एलिमेंट्स हैव देयर आउटर मोस्ट सेल इन कंप्लीट की जो आउटर मोस्ट सेल्स होते हैं वो इन दे हैव क्रिएट 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 टू आउटर मोस्ट सेल इन कंप्लीट। इनके बाहर की यहाँ पे लगे कुछ नंबर्स लिखे नहीं है, यहाँ तो बोला कि बाहर के सेल्स इनकम्प्लीट होते हैं। यहाँ पे उन्होंने बोला कि बाहर के दो सेल्स इनकम्प्लीट होते हैं, बाहर की दो सेल्स इनकम्प्लीट होती हैं और नोबल 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 गैसेस बिकॉज ओइंग टू देयर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से दे हार्डली रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स, वो बाकी के एलिमेंट्स से बहुत मुश्किल से रिएक्ट करते हैं, इसलिए उनको लगे उसमें डाल दिया। 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, बाहर के ऑर्बिट होता है बाहर का सेल उसमें 8 इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट एक्सेप्ट इन द केस ऑफ हीलियम एंड टू इलेक्ट्रॉन हीलियम व्हिच हैज टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हीलियम, केवल हीलियम ही ऐसी गैस है जिसमें बाहर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाकी 100 में 8 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ये तो बात हो गई ग्रुप्स की, अब बात करते हैं पीरियड्स की। देर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल इज कॉल्ड अ पीरियड। ठीक है 7 ही है, 1 to 10 7
The number of cells present in atom determines its period. As it is clear from table, वो कह रहा है कि number of cells जो होते हैं ना, जो किसी भी एटम में प्रेजेंट हैं, वही उनका पीरियड डिटरमाइन करता है। नंबर ऑफ सेल यहाँ पे एक सेल है तो ये पहला पीरियड है, यहाँ दो तो ये दूसरा पीरियड है, यहाँ तीन तो यहाँ थर्ड पीरियड है, तो समझ में आ गया ये सेवन तो ये सेवेंथ पीरियड है, तो वो जो लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है। एलिमेंट्स विद आउटरमोस्ट इन द आउटरमोस्ट सेल वन बाय वन टिल एन ऑक्टेट इज अटेंड आर प्लेस्ड इन द सेम पीरियड द लास्ट एलिमेंट ऑफ ईच पीरियड हैज एट इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट द फर्स्ट पीरियड दैट इज हीलियम। उसके पास कुल दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या करें। एलिमेंट्स विद इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजिंग अरिथमेटिकली, ऐसे एलिमेंट जिनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना वो अरिथमेटिकली बढ़ रहे हैं इन देयर आउटर मोस्ट सेल, ठीक है, मतलब वन बाई वन बढ़ते जा रहे हैं टिल द ऑक्टेट इज ऑब्टेंड। ऐसे सारे एलिमेंट्स को एक ही पीरियड में रखा गया, ऐसे सारे एलिमेंट्स को एक ही पीरियड में रखा गया है, ठीक है, एक्सेप्ट विज हीलियम, एक्सेप्ट विज हीलियम जिसके आउटर मोस्ट सेल में, दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाकी सब में इक्वली होते हैं, इसमें दो होते हैं। द फर्स्ट पीरियड कंटेन्स ओनली टू एलिमेंट, पहला जो आते हैं दो एलिमेंट्स आते हैं, जिसको बोलते हैं शॉर्टेस्ट पीरियड, इसको बोलते हैं सबसे छोटा, सबसे वन और टू के एक नंबर है, एक नंबर है वन और टू के। द सेकेंड थर्ड कंटेन एथ एलिमेंट्स ईच, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और नीचे भी 18 है, हाँ ठीक है ठीक है। दीज आर शॉर्ट पीरियड, इसको शॉर्ट को शॉर्ट पीरियड कहते हैं, दोनों को शॉर्ट पीरियड बोला जाता है, ठीक है। दोनों कंटेन एट 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 कंटेन 18 एलिमेंट्स, दे कंटेन 18 एलिमेंट्स होते हैं, दीज आर लॉन्ग पीरियड्स, दीज आर लॉन्ग आता है ऊपर से देखने लगता है, ऊपर से देख लेना। द सिक्स्थ पीरियड कंटेन 32 एलिमेंट्स, सिक्स्थ वाला लिखे हुए यहाँ पर, यहाँ पे टेबल में पूरी नहीं है, है ना। आप एलिमेंट्स ना ऐसे काउंट मत करना, आप यहाँ से काउंट करने मत बैठना, आप एलिमेंट्स को ऐसे देखना, ठीक है, इस रो में देखना कितने एलिमेंट्स हैं कितने नहीं। पीरियडों के लॉन्गेस्ट पीरियडों के उसके में सबसे ज्यादा है, इसको लॉन्गेस्ट पीरियड भी बोला जाता है। द सेवेंथ पीरियड कंटेन्स 32 एलिमेंट्स इज आल्सो कॉल्ड द लॉन्गेस्ट पीरियड। द ग्रुप थर्ड भी है ना, दैट इज थर्ड वाला ग्रुप। और सिक्स्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड का थर्ड वाला, इसका मतलब उनका सिक्स्थ ये रहा, इसका थर्ड ये रहा, ठीक है। देर अ सेट ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक मास 57 to 71 जिनका नाम है लालू, है ना, बिगनिंग विद लेंथेनम, दीज एलिमेंट्स आर नोन एज लेंथेनिडिस, लेंथेनिडिस है ना, ये रेयर अर्थ होते हैं, मतलब ये अर्थ में बहुत रेयरली पाए जाते हैं। और इन थर्ड वीक में क्या है, एक सेवेंथ पीरियड और है, देर अ सेट ऑफ एलिमेंट्स टेनियम, क्योंकि इसका जो है ये एक्टिनियम, इसका नाम, इनको रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। लेंथेनाइड्स एंड है ना ग्रुप सीबी
थोड़ी बिगड़ जाते हैं, यहाँ पर साइज के अकॉर्डिंग हमें टेबल बनाई है। एलिमेंट्स किस किस तरह के एलिमेंट्स हैं, तो वो अब आगे आ रहा है। है ना? हाँ, मैं कहूँ तीन पेजेस हैं। वन टू थ्री, अच्छा तीन तो बाद में है। टाइप्स ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग फोर टाइप्स। चार तरीके के एलिमेंट्स होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, पहले ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और फोर्थ और लास्ट वाले इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस। इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एसपीडी एंड एस ब्लॉक्स इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन विच विल बी स्टडी इन हायर क्लासेस। अभी इग्नोर कर देना, ठीक है, इस क्लासिफिकेशन को। ये क्लासिफिकेशन का बेसिस कैसा रहा है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पे दिए हुए हैं इन्होंने। कुछ वहाँ पर एसपीडी दिखा था ना, एस तो ये है, पी आपके एटॉमिक नंबर हो जाएंगे, और डी मतलब नहीं पता, डी मतलब उनका क्या है? देखते हैं। एस एन पी ब्लॉक एलिमेंट्स विच हैव देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट एंड कम्पेटर। बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं, एस एन पी को छोड़ दो, केवल रिप्रेजेंटेटिव को याद रखो। एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स जिनके बाहर के ऑर्बिट इनकम्प्लीट होते हैं, उनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। इनके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? ग्रुप 1 के एलिमेंट्स आते हैं, ग्रुप 2 के भी आते हैं, ग्रुप 13 के भी आते हैं, ग्रुप 14 के भी आते हैं, 15 के भी, 16 के भी, 17 के भी। ग्रुप 1 के कौन कौन से मेटल्स होते हैं? एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग एल्कलीज विद वाटर एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ग्रुप 2 के एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये क्या करते हैं? वीकर एल्कलीज कम बनाते हैं एज कम्पेयर टू अबव, है ना, ये स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ये वीकर बनाते हैं। 13 बोरोन फैमिली, 13 बोरोन फैमिली, बोरोन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप। बोरोन जो एलिमेंट है वो ग्रुप का पहला एलिमेंट होता है। कार्बन फैमिली, इसके अंदर कार्बन पहला। नाइट्रोजन फैमिली, इसके अंदर नाइट्रोजन पहला मेंबर होता है। ऑक्सीजन फैमिली, इसके अंदर ऑक्सीजन पहला मेंबर होता है। हेलोजन, दे आर सॉल्ट फॉर्मर से नमक बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है। द एल्कली मेटल्स इन ग्रुप 1 आर द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं दैट आकर है ना, जो कि होते हैं बेसिकली रियल में। दे आर नोन एज द एल्कली मेटल्स बिकॉज बिकॉज दे रिएक्ट विगोरसली विद वाटर टू, बहुत स्ट्रॉन्गली ये क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं वाटर से टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड एन एल्कली सॉल्यूशन। हेलोजन इन रिएक्टिव नॉन मेटल, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, ये नॉन मेटल है लेकिन मोस्ट रिएक्टिव है। दे फॉर्म सॉल्ट ऑन रिएक्टिंग विद मेटल्स, मेटल्स के रिएक्ट करने पर सॉल्ट बनाते हैं। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, दे इंक्लूड बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इनके अंदर दोनों आते हैं, इनके अंदर दोनों आते हैं क्या?
मेटल से, नॉन मेटल से, देर इज अ रेगुलर ग्रेडेशन फ्रॉम मेटलिक टू नॉन मेटलिक कैरेक्टर एज वन मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज ऑफ द पीरियड. वो कह रहा है कि यहाँ पे रेगुलर चेंजेस चलते रहते हैं फ्रॉम मेटलिक टू नॉन मेटलिक कैरेक्टर, है ना. क्योंकि हम लेफ्ट से राइट जाते रहते हैं, एज ऑफ द टेबल लेफ्ट से राइट ही कब पढ़ते हैं, तो फिर वहाँ पे नॉन मेटल आ जाते हैं. दे फॉर्म इलेक्ट्रोवेलेंट एज वेल एज कोवेलेंट कंपाउंड्स विद नॉन मेटल. सर ये क्या होते हैं पता नहीं, आपने तो पढ़े हैं नहीं पढ़े, मुझे ध्यान नहीं, तो याद रखो ऐसा सच डिटेल में अगर रेलिवेंट होगा तो हम पढ़ाते हैं, नहीं आपको नहीं तो कोई बात नहीं. मेटलिक नेचर, जो मेटलिक होता है, तो एलिमेंट जो मेटल के होते हैं उनके कर रहा है, तो ये जो मेटलिक नेचर है ना उनका इंक्रीज होता रहता है, मूविंग डाउन एनी ऑफ दी सेवन ग्रुप्स. जैसे वो नीचे से जाते रहते हैं उनका वो मेटलिक नेचर है वो इंक्रीज होता जाता है, मेटल नेचर इज इंक्रीज हो गया. मेटल्स विच आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर पेरेंट के, ठीक है. नॉन मेटल्स विच आर पेरेंट इन ग्रुप 16 एंड 17 आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. का याद करने और कुछ नहीं समझाने वाला इसमें. सम हैवी एलिमेंट्स लाइक टिन लेड एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंसीज. उनके जो बैलेंसेज होते हैं वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं, वो काफ़ी अच्छी, ठीक है. तो ये तो अभी तक हमने पढ़ा था रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है. एस एन टू आ रहा है डी ब्लॉक, अब आ रहा है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है. दे आर इंक्लूडेड इन ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. मेन कैरेक्टर एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स. सीधे यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स पर आ गए, जैसे इसमें इतनी बड़ी कहानी सुनाई थी नहीं सुनाई इसके अंदर. अच्छा चलो ठीक है. ऑल दिस एलिमेंट्स आर मेटल्स विद हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. ये के अंदर इस ब्लॉक के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आते हैं सारे के सारे मेटल्स आते हैं, और उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं सारे हाई होते हैं, सारे के होते हैं हाई होते हैं, ठीक है. दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. सम ऑफ दीज एलिमेंट्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट, ठीक है. कुछ एलिमेंट्स मैग्नेटिक की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं. मोस्ट ऑफ दीज एलिमेंट्स आर यूज्ड एज कैटलिस्ट, ठीक है. मोस्ट ऑफ दीज एलिमेंट्स एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंसीज, ठीक है. मोस्ट ऑफ दीज एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड आयन्स, ये जो आयन्स बनाते हैं कलर्ड आयन्स बनाते हैं, ठीक है. एंड कलर्ड कंपाउंड्स, कंपाउंड्स भी कैसे बनाते हैं, कलर्स को कलरफुल बनाते हैं. इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इनको बोला जाता है. द एलिमेंट्स ऑफ सिक्स एंड सेवन्थ पीरियड्स ऑफ ग्रुप थ्री दैट इज लेंथेनाइड्स एंड द एक्टिनाइड्स आर कलेक्टिवली नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दे आर हाई मेल्टिंग मेटल्स विद हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. दे शो वेरिएबल बैलेंसेस, तीनों में कॉमन ही आया तो अभी तक. दे फॉर्म कलर्ड आयन, ये भी दूसरे और तीसरे में कॉमन है. एक्टिनाइड्स आर ऑल रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है. सम आर नॉट फाउंड इन नेचर, कुछ नेचर में नहीं मिलते हैं. दे आर मेड इन स्पेशल लेबोरेटरी, जिनको बनाया जाता है केमिकली बनाया जाता है, नेचुरल नहीं मिलते हैं ये. कुछ 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 की बात कर रहे हैं, ठीक है. अब आगे इनर्ट गैसेस पर, नोबल गैसेस पर. एलिमेंट्स ऑफ द जीरो ग्रुप बी सीज द 80th वर्टिकल कॉलम आर नोन एज द इनर्ट गैसेस और नोबल गैस, ठीक है. दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट एक्सेप्ट हीलियम, जिसके दो होते हैं केवल. दे डू नॉट रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स एंड आर देयरफॉर इनर्ट. वो कैसे रिएक्ट कर देने इनर्ट बोला जाता है, इनर्ट होता है नॉन रिएक्टिव, इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव ज्यादा रिएक्ट नहीं, उसको इनर्ट बोला, उसको इनर्ट बोला जाता है. सर ये तो कुछ नया बता रहे हैं, भेज एलिमेंट्स, हाँ फिर तो बॉक्स में दिया हुआ है, ये तो हमने पढ़ा नहीं है. एलिमेंट्स ऑफ आंसर होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड पीरियड शो रिजेंबलेंस इन प्रॉपर्टीज विद एलिमेंट्स इन द नेक्स्ट ग्रुप ऑफ थर्ड पीरियड. तो इनके दोनों के जो एलिमेंट्स रिजेंबल और रिजेंबल करते हैं, रिजेंबल और सिमिलर से लुक करते हैं, जिससे एक डायग्राम सच बनती है. सच एलिमेंट्स आर कॉल्ड ब्रिज एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स को बोला जाता है ब्रिज एलिमेंट. ग्रुप वन का पीरियड टू और थ्री के एलिमेंट्स इस लिथियम की इसमें मिलती है, इसमें प्रॉपर्टी मिलती है, इस बेरियम की एल्यूमिनियम के साथ, इसकी बोरॉन की सिलिकॉन के साथ. तो ये एक
डायगोनल रिलेशन से बनता है, इसको हम बोलते हैं ब्रिज एलिमेंट। ठीक है, टिपिकल एलिमेंट जो आमतौर पर मिल जाते हैं थर्ड पीरियड एलिमेंट, थर्ड पीरियड एलिमेंट NaMgAl, SiPs, Cl, समराइज द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर रेस्पेक्टिव ग्रुप, ठीक है, एंड आर कॉल्ड टिपिकल एलिमेंट। हाँ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अच्छाइयाँ। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अच्छा, इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। पहली बात तो ये एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है, विच इज एन इवन बेटर फंडामेंटल प्रॉपर्टी कंपेयर टू एटॉमिक मास, जो कि एटॉमिक मास से बेटर फंडामेंटल है लगती है। ठीक है, पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द टेबल इज रिलेटेड टू इट्स इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन। जो भी एलिमेंट रखा जाता है टेबल में उसको उसके इलेक्ट्रॉन रखा जाता है, रखा जाता है। इट शोज रेगुलर चेंजेस इन प्रॉपर्टीज ऑफ द पीरियड और डाउन ऑफ द पीरियड और डाउन ऑफ ग्रुप। बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब है कि किसी को भी चेंजेस अगर मालूम पड़ता है तो हम उसे शिफ्ट कर देते हैं और कुछ नहीं, तो चेंजेस हमें पता चलते रहते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज ईजियर टू रिमेंबर, उसको याद रखना ईजियर है, समझना ईजियर है, दोबारा से बनाना ईजी है। ठीक है, डिफेक्ट क्या है सर इसमें, सारी इच्छाएं तो चांद के दाग होते हैं, हम कहते आ रहे हैं, तो इसके तो कुछ ना कुछ दाग होंगे। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन स्टिल नॉट सेटिस्फाई, हाइड्रोजन की पोजीशन तो अभी भी सेटिस्फाई नहीं है, एज इट एज इट्स प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू बोथ ग्रुप एंड सेवनटीन के प्रॉपर्टीज पहले मिलती, फिर दोनों से मिलती जुलती, फिर भी उसको पहले ग्रुप में रखा गया, पहले नंबर पर रखा गया। इट फेल्स टू अकोमोडेट द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स ना, दैट द लेंथ नेट्स एंड द एम्प्टी नेट्स इनटू मेन बॉडी ऑफ द प्रोटीन बॉडी में रखाने के, इन बॉडी में रखाने के इनको रखा गया। तो ये दिक्कत थोड़ी सी है लोगों का मानना है। जनरल ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ग्रुप्स, ग्रुप्स के अंदर वो बता रहा है नंबर ऑफ सेल्स एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ सेल्स एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। गो डाउन अ ग्रुप, जैसे हम एक ग्रुप में से जाते हैं, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज अरिथमेटिकली, नंबर ऑफ सेल्स जो अरिथमेटिकली एवरेज उनका बढ़ता जाता है, एंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिमेंस इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्रुप, जो नंबर ऑफ वैलेंस हैं नंबर ऑफ ग्रुप के बराबर ही रहते हैं जिससे एलिमेंट बिलोंग करते हैं। ऑल्सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल्स इन द गिवन एलिमेंट इक्वल्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो किसी भी सेल में दिए होते हैं, वो पता है किसके इक्वल होते हैं, टू द नंबर ऑफ पीरियड टू बी सेल बिलोंग, नंबर ऑफ पीरियड्स हैं, कंसिडर हेलोजन्स एज शोन बिलो। तो एलिमेंट ग्रुप है 17, नंबर ऑफ सेल्स हैं 2, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की क्या है 2 7, यहाँ पे 3 है तो 2 8 7, यानी काउंट करो काउंट, तो 1 2 2, 1 2 3 3, 1 3 4 4, ये 6 है तो यहाँ पे 6 है, इस तरह से। वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इक्वल्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट्स वैलेंस सेल। क्या कह रहे हैं, वैलेंसी किसी भी एलिमेंट की इक्वल होती है किसके बराबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा वैलेंसी। ठीक है, वो वैलेंस सेल के अंदर की बात की जा रही है। सिंस एलिमेंट्स इन अ पर्टिकुलर ग्रुप इलेक्ट्रॉन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रेस्पेक्टिव वैलेंस सेल, वैलेंस ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन अ गिवन ग्रुप इज द सेम। हां, सब के सेम ही होगी। फॉर एग्जांपल वैलेंस ऑफ एनी एल्कली मेटल इज 1, किसी भी एल्कली मेटल की जो वैलेंस होगी 1 होगी। क्यों, क्योंकि उनमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 1 ही है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 ही है, क्या होगी 1 ही, क्या होगी 1 ही हो जाएगी। तो वैलेंसी जो है वो क्या है, ऐसे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम इसकी बात करते हैं। यहाँ पे आई ए कहाँ गया,
अच्छा ये ऊपर से उठा रहा है अभी, तो वहाँ पे वन बता रहा है उसकी बैलेंस, इसके टू बता रहा है, इसके थ्री बता रहा है, इसके फोर बता रहा है, इसके थ्री बता रहा है, कोई भी काम देख लें बैलेंस है, ग्रुप आई ए देखें, आई ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते दिए हैं कहीं पे, आई थिंक यही तो है इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे बन दिया होगा इसकी बैलेंस से। अच्छा बन ही दी है, सेकंड ए देखें, सेकंड ए वैलेंस ऑफ ग्रुप टू ए, ग्रुप टू ए देखें एक बार, अच्छा देखो ये दिया है ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, से इनके बेस से बता रहा है, नहीं ये बत इस तरह से नहीं दे रहा, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं ऑलरेडी, तो इस तरह से कैलकुलेट करता आ रहा है, ठीक है, बैलेंस ऑफ ग्रुप जीरो इज जीरो, अच्छा प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, यहाँ पे क्या समझाना चाह रहे हैं, एलिमेंट्स है ना गिवन ग्रुप पजेस सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो कह रहा है किसी भी ग्रुप के अंदर अगर आप देखोगे तो जो एलिमेंट्स होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है, बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देयर रेस्पेक्टिव आउटर मोस्ट सेल से सेम, क्योंकि उनकी आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, इसी वजह से देयर वेरी सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, तो हम पहले पढ़ चुके हैं, विल चेंज यूनिफॉर्मली डाउन दैट ग्रुप, जो कि चेंज हो जाएगी और ये कंबाइन कर देंगे, जो कि चेंज हो जाएगी क्योंकि जैसे हम दूसरे ग्रुप में शिफ्ट करेंगे तो मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएंगे तो हमारी प्रॉपर्टीज उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी, ठीक है ये कभी वाली बात है। एग्जाम्पल एल्कली मेटल्स ग्रुप बनर ऑल वेरी रिएक्टिव एंड द डिग्री ऑफ रिएक्टिविटी फर्दर इंक्रीज डाउन द ग्रुप, जैसे उन्हीं से दूसरे ग्रुप में शिफ्ट होंगे उनकी डिग्री बढ़ती जाएगी, ये बता रहा है कि इनकी कैसे कैसे ये होती है, इसकी इससे ज़्यादा, इसकी इससे ज़्यादा, इसकी इससे ज़्यादा, इसकी इससे ज़्यादा रिएक्टिविटी, हेलोजन एटम्स आर ऑल्सो वेरी रिएक्टिव, हेलोजन एटम्स होते हैं वो काफ़ी रिएक्टिव होते हैं, बट देयर डिग्री ऑफ रिएक्टिविटी डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम द फ्लोरीन टू आयोडीन, तो इनकी कम होती जाती है ना, अगर नहीं तब करते हैं ठीक है।